प्रदेश सरकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा द्वारा प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों की न्यायोजित मांगों के संबंध में मध्य प्रदेश शासन को ज्ञापन पत्र के माध्यम से अपनी मांगों की पूर्ति की मांग की है। ध्यान आकर्षित कराते हुए कर्मचारियों ने कहा कि न्यायोजित मांगों के निराकरण के लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा दो मंत्री समूह का गठन किया गया है। एक मंत्री समूह का गठन पदोन्नति के बारे में निर्णय हेतु एवं एक मंत्री समूह का गठन कर्मचारियों की अन्य मांगों के निराकरण के लिए किया गया है, किंतु दोनों मंत्री समूह द्वारा आज तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया, जिसके चलते मध्य प्रदेश एक इकलौता राज्य बन गया है, जहां पिछले 6 वर्षों से प्रदेश के अधिकारियों कर्मचारियों की पदोन्नति रुकी हुई है, जिससे प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों में निराशा बढ़ने से शासकीय कार्यों पर भी विपरीत असर पड़ रहा है। साथ ही सरकार कर्मचारियों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। संयुक्त मोर्चा द्वारा लंबित मांगों का ज्ञापन सौंपने वालों ने क्या कहा, आइए आपको सुनाते हैं। आज गांधी जयंती के अवसर पर हमारे पूरे प्रदेश में संयुक्त मोर्चा के तत्वावधान में हर विभाग के कर्मचारी वर्तमान सरकार के द्वारा सबसे पहली मांग ये है कि वर्तमान सरकार ने पेंशन बंद कर दिया है, कर्मचारियों की पेंशन बंद कर दिया। कोई भी कर्मचारी अगर सेवानिवृत्त होगा उसको कोई पेंशन नहीं मिलेगी, और यदि पेंशन नहीं मिलेगी तो उसका गुजारा नहीं होगा। हम पेंशन की मांग करते हैं। हमारे जो कर्मचारी हैं उनकी वरिष्ठता को भी मान्य नहीं किया जा रहा है। जो 95 और 98 में जो नियुक्तियां हुई हैं उन नियुक्तियों को 98 और 2000 से मान्य न करते हुए उन्हें 2018 से मान्य करने का आदेश दिया गया है, जिसका हम विरोध करते हैं। हमारे प्रदेश में कई कर्मचारियों के संबंध में कई विसंगतियां चल रही हैं, चाहे डीए के संबंध में हो, डीए एरियर्स के संबंध में हो। लिपिक वर्ग जो है हमारे देश में, प्रदेश में लिपिक वर्ग वो आंदोलन कर रहा है, लेकिन उसके वेतन विसंगत को दूर नहीं किया जा रहा है। इन परिप्रेक्ष्य में आज पूरे प्रदेश में करीब 25 बिंदुओं का एक मांग पत्र तैयार कर संयुक्त मोर्चा द्वारा गांधी जी को भेंट किया जा रहा है। वह मुख्यमंत्री के नाम से मांग पत्र है और गांधी जी को हम लोग सौंप रहे हैं कि हम लोगों की अब आपकी पुनः आवश्यकता है। आप जहां भी हों एक बार फिर से अवतरित हों और ऐसी सरकार को सद्बुद्धि दीजिए ताकि देश की जनता को, देश के कर्मचारियों को, देश में समभाव लाने को, इन सारी बातों की आवश्यकता को देखते हुए आज हम सब लोग गांधी जी को ज्ञापन सौंप रहे हैं।